सलीम भाई, ये जो आज आपने बांधकाम कामगार का मुफ्त का जो कार्यक्रम शुरू किया है, तो जनता को क्या बताना चाहेंगे? आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने शहर औरंगाबाद के अंदर AIMIM महाराष्ट्र सदर, महाराष्ट्र कारगुजार सदर अली जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, इनके हिदायत पे और हमारे एमपी खासदार इम्तियाज जलील साहब, इनके हिदायत के ऊपर आज हमने हमारे वार्ड नंबर 160 और वार्ड नंबर 60 यहाँ पे ये मुहिम, मुफ्त बांधकाम कामगार नोंदी मुहिम का आगाज़ किया है। हम पूरे औरंगाबाद सिटी के अंदर हम लोग ये मुहिम को हमारे AIMIM के बैनर के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा लेबर वर्कर्स, जो भी सेंटरिंग काम करने वाला हो, लेबर हो, बांधकाम का हो या प्लास्टर का हो या सुतार काम करने वाला हो, सबको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों का रजिस्ट्रेशन करके उनको गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है, ये स्कीम जो है बहुत अच्छी है लेबर के लिए, जो कि रजिस्ट्रेशन के बाद अकाउंट के अंदर 10,000 रुपये आ जाते हैं। बाद में इसकी किट आती है पूरी प्लास्टर बांधकाम की किट से शूज से लेके तो टोपी तक। उसके बाद में आगे चल के अगर ये मिस्त्री की अगर शादी नहीं हुई तो शादी के लिए भी गवर्नमेंट पैसे देती है। उसके बाद अगर उसको बच्चे हैं, दो बच्चों तक भी गवर्नमेंट उसके दो बच्चों का पूरा शिक्षण का खर्चा ये स्कीम के तहत गवर्नमेंट देती है। उसके बाद बच्चे की अगर शादी का भी खर्चा है तो गवर्नमेंट इसके अंदर 1.5 लाख रुपये तक गवर्नमेंट देती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वार्ड वालों से गुजारिश करेंगे कि वो हमसे रब्ता करें और इस स्कीम का पूरा फ़ायदा उठाए। वार्ड के दूसरे भी लोग हैं, शहर के जो गरीब मजदूर लोग हैं, वो आपसे रब्ता कायम करना चाहते हैं, तो आपके ऑफिस का एड्रेस बता दीजिए। हमारा ऑफिस का एड्रेस बैजूपुरा गली नंबर 20 न्यू बैजूपुरा, यहाँ के ऊपर हमसे रब्ता करें। हमारे सिराज सौदागर जो पूर्व के यूथ के अध्यक्ष है, अंदर जो है इनसे भी रब्ता कर सकते हैं। पूरे का जो एरिया है तकरीबन 15,000 लोगों का एरिया है, तो हमने एरिया डिवाइड करे हुए हैं। तो बायजीपुरे में सलीम पटेल को है तो उसकी जिम्मेदारी दी हुई है, उसके बाद में संजय नगर में और निज़ामगंज कॉलोनी में विकास हेड़के साहब, मैं और अमजद चाचू को दी हुई है, और कैसर कॉलोनी का इलाका है उसकी जिम्मेदारी मेरे पास में है। आपके स्क्रीन के ऊपर नंबर डाल दिए जाएंगे, कैसर कॉलोनी, संजय नगर, बायजीपुरा। अभी हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, ये स्टेप वाइज है, इसके बाद में आगे भी हमारे शहर देश को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आप तमाम से गुजारिश है, बायजीपुरे के लोग सलीम पटेल से रब्ता करें, संजय नगर के लोग मुझसे, विकास हेड़के से और निज़ामगंज कॉलोनी के लोग। जैसे कि आप जानते हैं भैया कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ इलेक्शन के दौर में सिर्फ प्रचार के लिए नहीं आती है, हम लोग पब्लिक से जुड़े जो मुद्दे होते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा कि दलित और मुस्लिम तबका जो हम जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं जो एरिया का, वो उस एरिया में लेबर क्लास और मजदूर लोग ज़्यादा होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद करने में 6 दिन काम करके मेहनत करके बेचारों के पास इतना टाइम नहीं रहता है। इसीलिए हम जब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब के ऑफिस में बैठे थे, वहाँ पर डॉक्टर साहब को एक ख्याल आया, क्यों ना हम लोगों से जुड़े इस मुद्दे पे काम करें। गफ्फार कादरी साहब के ऑफिस के ऊपर हम जब बैठे थे तो साहब को ये ख्याल आया क्यों ना हम पब्लिक से जुड़े हुए मुद्दे से काम करें। एक्चुअली गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है लेकिन गरीब लोगों तक वो पहुँचती नहीं है, तो साहब ने बोला कि आपको अगर सही काम करना है तो गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में का, लेबर क्लास के बीच में का एक पुल आप बनिए। ये जो काम है, फॉर्म भर के देना, डॉक्यूमेंट जमा करना, हम लोग हमारे जैसा कि एरिया वाइज दिया है, बायजीपुरा, संजय नगर, कैसर कॉलोनी, सलीम पटेल बोरगांवकर हो गया, विकास एड के जो मैं हूँ, सिराज सौदागर साहब और अमजद चाचू, हम चारों को साहब ने जिम्मेदारी दी है और ये काम करके लेने का हमसे ये लिया है। ये कहते हुए मैं अपने दो शब्द खत्म करूंगा, जय भीम जय भीम। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आज बायजीपुरे से हमने एक मुहिम का आगाज़ किया है, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब की क़ियादत में। यहाँ पर बांधकाम कामगार नोंदनी मुहिम जो मुफ्त में करवाई जाने वाली है, इंशाल्लाह इसका आगाज़ वार्ड नंबर 20 से शुरू किया गया है, गली नंबर 20 वार्ड नंबर 60 से, जो हमारे यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता
मजलिस के कार्यकर्ता जनाब सलीम पटेल बोरगांवकर साहब है, इसी तरह से पड़ोस के वार्ड में खैसर कॉलोनी में हमारे सिराज सौदागर सामाजिक कार्यकर्ता है जो हमेशा मजलिस के लिए झटते रहते हैं, पब्लिक के मसाइल को हल करने के लिए की कोशिश करते हैं। उसी तरह से हमारे माजी कारपोरेटर जनाब विकास सेठ के साहब भी हमेशा कौम के मसाइल को हल करने के लिए जद्दोजहद में लगे रहते हैं। इसी तरह से हमारे अमजद चाचू साहब जो संजय नगर से बिलोंग करते हैं, सामाजिक कार्य में उनका भी काफ़ी पुराना नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। मजलिस Right now and press the bell icon.